हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताने वाले हैं। बहुत से बच्चों की ये क्वेरीज थी कि सर कैसे होता है, तो यहाँ पे हम आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको कुछ बताएंगे, जो कि बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए है। यहाँ पे हम आपको ये बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न्स क्या हैं, ठीक, और उसके सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है। देखिए, कंपटीशन एक तरह की, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ही, सीट्स लिमिटेड होते हैं, फॉर्म्स ज़्यादा आते हैं, बच्चे ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं, तो ऐसे में तैयारी अपनी कितने अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं, ये आपको अगर सिलेबस आपको पता है तो आपको सटीक बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम्स को देना है। तो यहाँ पे देखिए, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सतीश बीकॉम हॉनर्स एंड बीकॉम मीन्स एफएमएम मीन्स फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। हियर देखिए, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के एग्जामिनेशन, लेकिन यहाँ पे हम ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेट, 3 सेट्स में इसके क्वेश्चन पेपर होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो जो हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड के होते हैं, यानी हमको मार्कशीट पे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो हमको फिल करना होगा, ऑनलाइन में हमको क्लिक करके लॉक करना होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट के लिए है, इट मीन्स 2.5 आवर हो गया लगभग। नाउ एग्जाम लेवल, तो ये आपको भी पता होगा कि 10+2 लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है, जो कि 50% एटलीस्ट एंड अपियरिंग जो कैंडिडेट अगर अपियर हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं आया वो भी इसको फिल कर सकते हैं, ठीक। तो ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, तो इस वजह से ये, और इसका जो टोटल मार्क होता है 450 मार्क का होता है, इट मीन्स 150 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, और इसमें निगेटिव जो होता है निगेटिव मार्किंग वो 1 मार्क का होता है, यानी कि अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। नाउ लिसन, जो हमारा सिलेबस है बीकॉम के लिए, जो हमारा सिलेबस है, ये मान के चलिए अगर आपने 11th और 12th को अच्छे से पढ़ा है तो आपका आधा से ज़्यादा क्या 90% प्रिपरेशन हो चुका है। बस आपको ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को समराइज करने की, मगअप करने की, और काफ़ी अच्छे तरह से अपने आप को मेंटल प्रिपेयर करने की। जो टॉपिक्स हैं और वो सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें सबसे पहले अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी में आपके पार्टनरशिप शेयर्स डिवेंचर, इन सब चीज़ों के रूल रेगुलेशन, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, उन चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक। जैसे मान लो शेयर्स के टाइप्स, शेयर्स में जो भी रूल रेगुलेशन है, पार्टनरशिप में जो भी रूल और रेगुलेशन है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और फिर गुडविल के कैलकुलेशन में पार्टनर कैपिटल में कौन चीज जाती हैं, फ्लैक्चुएटिंग फीस, ये सारी चीज़ें हैं, यानी पार्टनरशिप शेयर्स डिवेंचर्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ क्लास 11th के चैप्टर्स में हैं, जैसे मान लीजिए आपका जनरल लेजर ट्राई बैलेंस बी आर एस, इन सारी चीज़ों को भी पूछा जाता है, यानी आपकी 11th और 12th की अकाउंटेंसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपके रेशियो के डिफरेंट टाइप्स के रेशियो, कौन से रेशियो, कितना आइडल रेशियो होता है, किसका क्या फार्मूला होता है, ठीक, किन चीज़ों को कैसे इंक्लूड करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर कैश फ्लो में कौन सा कैश फ्लो होता है, कौन सा आइटम्स कैश फ्लो में आते हैं, कौन से आइटम कैश आउटफ्लो में जाते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, इनफ्लो आउटफ्लो होता है, ठीक। उसके बाद आपके उसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यानी उस चैप्टर से भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक। कॉमन और कंपेटिव से भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, तो आपका यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से भी आएगा। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारी चीज़ें उस चैप्टर्स को भी कवर करना पड़ेगा आपको। फिर मनी एंड बैंकिंग में भी आपको पता करना पढ़ना पड़ेगा कि आपका मनी किसे कहते हैं, मनी का क्या टाइप्स होते हैं, इसके मेरिट डिमेरिट, ये सारी चीज़ें, मतलब मनी और बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक मैथ्स में 9th और 10th लेवल तक के मैथ्स जो भी होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। और उसके बाद
आपसे प्रॉफिट एंड लॉस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी कभी जी एस टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं कि 10 लोग एक काम को इतने दिन में करते हैं तो 15 लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी क्या रीजनिंग लेवल पे भी थोड़ा बहुत समझ लीजिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन रहते हैं। फिर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने क्लास 11 बिजनेस स्टडी में पढ़े हुए थे, डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उन सारे चीज़ों को भी थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, फिर बिजनेस मैनेजमेंट है। ठीक, तो हमने मैनेजमेंट का जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उन चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमारे वो प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस और मैनेजमेंट्स के, वो सारे चीज़ को भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस की इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे हमारे, ठीक, बिजनेस स्टडीज़ में, उसको भी हम कवर अप कर लेंगे। और फिर कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज में आपका MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, ये सारे चीज़ को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस कंप्यूटर का जो भी हिस्ट्री रहा है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, करेंट अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर्स, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे इतने दिन से, तो आपके लिए वो भी बेनिफिशियल है कि GDP ग्रोथ क्या रही है, ये उस ईयर में क्या थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये मिला के आपको लगभग आधे से ज़्यादा चीज़ों को आपने पढ़ा हुआ है, कुछ चीज़ों को आपको विशेष फोकस करने की ज़रूरत है, और आप मटेरियल्स को अच्छे तरह से समराइज करके और ख़ुद आप एग्जामिनेशन की डेट आपको तो आपके एडमिट कार्ड्स या आपको न्यूज़पेपर और जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उस पर जाके आप खुद भी चेक करते रहिए, सिलेबस के बारे में भी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर्स मिलते हैं तो और अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस बनाए रखिए, क्योंकि आपका सबकी मतलब सारे बच्चों की ये इच्छा होती है कि अच्छे कॉलेज मिले, तो उसके लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। सो थैंक यू, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करेगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।